नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अगरबत्ती उद्योग में। मेरा नाम है हरिमोहन और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फुल्ली ऑटोमेटिक अगरबत्ती मेकिंग मशीन के बारे में कि फुल्ली ऑटोमेटिक अगरबत्ती मेकिंग मशीन जो कि अनइंस्टॉल फॉर्म में होता है, अलग अलग पार्ट्स होते हैं इसके, उसको कैसे असेंबल किया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग वो सारी चीज़ें, सारी जानकारी डिटेल में देखेंगे कि कैसे एक अगरबत्ती मेकिंग मशीन को इंस्टॉल किया जाता है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सारे पार्ट्स, जैसे ये मशीन का फीडर हो गया, इसके बाद ये जहाँ पे बत्ती आके गिरता है और बाकी स्टैंड वगैरह जो भी है, मतलब इसका फीडर और ये अलग रहता है। तो इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है और कैसे इसे रेडी टू यूज बनाया जाता है, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग ये सारी जानकारियाँ डिटेल में जानने वाले हैं और आप इसको लाइव देखने वाले हैं। तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आप लोगों के डिमांड के ऊपर ही ये वीडियो हम लोग लेके आए हैं। क्योंकि हाल में हमने 2-3 जगह बिहार से बाहर मशीन दिया था, महाराष्ट्र, उड़ीसा वगैरह में, तो वहाँ के बंधुओं को मशीन इंस्टॉल करने में थोड़ी सी समस्या आ रही थी, उन्हें टेक्नीशियन बुलाने की आवश्यकता पड़ रही थी, जिसका कि खर्चा लगभग 4-5 हज़ार रुपये आता है एक टेक्नीशियन बुलाने का। हालांकि बिहार के अंदर यदि कोई भी व्यक्ति हमसे मशीन लेते हैं तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉलेशन की सर्विस देते हैं, परंतु बिहार से बाहर हम लोग ये नहीं दे पा रहे हैं अभी इंस्टॉलेशन का सर्विस। तो इस कारण से, चूंकि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं होता, आसान सा चीज़ होता है, ये एक फीडर होता है और ये एक इस मशीन का पूरा सेट होता है, ये दोनों ही अलग होता है, बाकी सब इसमें रेडी होता है, इस दोनों को ही जस्ट इसमें कनेक्ट करना रहता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए। तो इस वीडियो में आप लोग पूरी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले करना चाहूँगा आपसे एक विनम्र निवेदन, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसे प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दे, क्योंकि इस चैनल के ऊपर अगरबत्ती उद्योग से संबंधित विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग लेके आते रहते हैं, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है और जानकारी काफ़ी ऑथेंटिक होती है, जिसका कहीं भी आपको लाभ ही मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना ज़्यादा टाइम लिए हुए हम लोग चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी ये संस्कृति रही है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले पूजा अर्चना किया जाता है हमारे अपने इष्ट देवों का। तो चूँकि मशीन हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ये एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए जो पूजा पाठ की जाती है तो वो अभी हम लोग ने कर लिया है। अब हम लोग इसका मशीन को इंस्टॉल करने से पहले ये एक चीज़ जानते हैं कि जब आप मशीन खरीदते हो, कोई भी अगरबत्ती की जो ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है, जब आप ये खरीदते हो तो इसके साथ आपको क्या क्या एसेसरीज मिलती है, क्या क्या सामान है जो कि मिलती है। हमने यहाँ पे सारी चीज़ें लगा दी हैं जो कि आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ से शुरू करोगे, ये मशीन का मेन पार्ट होता है, ये जो आप देख रहे हो ये मशीन का मेन पार्ट होता है। इसके नीचे मोटर लगी हुई होती है, गियर बॉक्स वगैरह होता है, सारा सिस्टम यहीं से ऑपरेट होता है, ये मेन पार्ट होता है मशीन का। तो ये आपके साथ रहेगा, यहाँ पे कंट्रोलिंग वगैरह के लिए कुछ दिए हुए हैं। इसके बाद ये अपना फीडर होता है, बम्बू स्टिक यहीं से फीड होके इस मशीन के अंदर जाती है, तो ये फीडर हमें मिल जाता है। इसके साथ ये डलिया बोला जाता है हमारे यहाँ, पता नहीं आपके यहाँ पे इसको क्या बोला जाता होगा, ये मिलती है। इसके बाद ये फीडर को रखने के लिए स्टैंड होती है, ये स्टैंड मिलती है हमें मशीन के साथ। इसके अलावा ये आप देख सकते हो हब है, जो कि एक साइड डाई और एक साइड रॉकेट लगाने का सिस्टम लगा हुआ होता है, इसे हब बोलते हैं हम लोग, ये मिलती है। इसके अलावा ये एक ऑटो कंट्रोल की वॉल्यूम है, आप यहाँ पे जो लगी हुई होती है, ये एक अतिरिक्त दी जाती है अगरबत्ती मेकिंग मशीन के साथ, ठीक है, तो ये आप लोग देख पा रहे हैं। इसके अलावा ये एक हमें पाना दिया जाता है, आपके यहाँ पे पता नहीं इसे क्या बोलते हैं, पाना बहुत जगह पे रिंच बोलते हैं इसे, या फिर की भी बोला जाता है बहुत सारी जगहों पे। जैसे हमें ये डाई रॉकेट वगैरह खोलना हो या टाइट करना हो तो उसमें हमें ये यूज में आता है, ठीक है। इसके अलावा हमें ये एक क्लीनर मिलती है इस मशीन के साथ, जो कि आप लोग देख पा रहे हो, ये डाई और रॉकेट को क्लीन करने के लिए यूज में आता है क्लीनर, ठीक है। और इसके साथ है हमारा ये बकेट, जिसमें कि ये मसाला हम लोग डालते हैं, यहाँ पे ये बकेट सेट होता है, वो तो हम लोग आगे देख लेंगे। और मिलता है हमें इसके साथ ये बत्तियों को रखने के लिए, जब बत्ती बन के रेडी होगी इसी के अंदर बत्ती आके गिरेगी, तो दो पीस मिलती है, ये एक अतिरिक्त मिलती है। तो ये
तो ये मोटा मोटी ओवरव्यू था कि अगरबत्ती मेकिंग मशीन के साथ क्या क्या मिलता है। तो इतनी ही चीज़ें आपको जो अपना पूरा बॉक्स होता है अगरबत्ती मेकिंग मशीन का उसमें देखने को मिलती है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती है, ठीक है, ये अलग से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलो दोस्तों बिना ज़्यादा टाइम लिए चलते हैं हम लोग फटाफट मशीन को इंस्टॉल करते हैं। तो मशीन इंस्टॉल करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ होती है हमें ये फीडर, ये जो आप फीडर देख पा रहे हो इस फीडर को हमें लगाना पड़ता है, इस फीडर को हमें एडजस्ट करना पड़ता है। इसके लिए हमें ये स्टैंड दिया हुआ है, स्टैंड, ये स्टैंड को इसमें सेट करना पड़ता है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि स्टैंड को कैसे सेट किया जाता है, फिर बाकी आगे मिलता हूँ मैं आपसे वीडियो में। इसको मैं खोल रहा हूँ, होशियार हो गए। इसे फुल टाइट नहीं करना है अभी, जस्ट रफली हमने एक ये कर लिया है ताकि ये इसमें सेट रहे, बाकी इसे फुल टाइट अभी नहीं करना है, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हमें क्या करना है, इस स्टैंड्स वगैरह को रफली सेट कर लेना है, फुल टाइट तो अभी इन सारी चीज़ों को नहीं करना है, एक हल्का सा ऐसे अटैच कर देना है, सही से पूरा दिखाइए। जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये अपना जो फीडर के लिए अपना स्टैंड सेट करना था वो हमने यहाँ पे कर लिया है, अभी इसे फुल टाइट नहीं किया है, रफली टाइट किया है, ताकि अभी चूंकि ये फाइनल तो हुआ नहीं है, अभी इसे हमें कई बार ढीला करना होगा, टाइट करना होगा, ठीक है। मशीन बंद कर तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं इसे रफली हमने टाइट कर लिया है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से ये जो वायर वगैरह है इसके ऊपर पॉलीथीन लगा हुआ होता है सेफ्टी के लिए, तो इसे यहाँ से हटा लेना है। और ये पार्ट है इसे हमें नीचे कर देना है। अब यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं कि सेंटर हमें मिला के देख लेना है कि क्या ये दोनों बराबर में आ रहा है, तो जैसा कि देख पा रहे हैं पूरा ये स्ट्रेट है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, इसे हमें छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है, इसे हम आवश्यकता अनुसार आगे पीछे कर सकते हैं। अभी अब हम लोग दोस्तों देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पे जो दो बोल्ट थे यहाँ से हमने खोल लिया है ताकि ये जो है अपना इसको हम लोग इसमें लगा सके, तो इसे पहले लगा लेते हैं। इधर आप पूजा, ऐसे पकड़ो, इसे पकड़ना, बोल्ट लाओ यहाँ से भी।
ठीक से नीचे लो ना। तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने काफ़ी मशक्कत के बाद इसको यहाँ पे सेट कर लिया है। अभी अब हम लोग यहाँ पे बकेट को सेट कर लेते हैं। यहाँ पे अब हमारा बकेट जो है वो सेट हो चुका है। ढीला है उधर कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने इस बकेट को सेट कर लिया है। अभी अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसीजर होगा वो यहाँ पे जो वॉयल फिलिंग का काम होता है मशीन के अंदर यहाँ पे सेट करना होता है हमें। तो अभी हम लोग काफ़ी आसानी से इसे यहाँ पे टाइट कर दे रहे हैं। प्लास्टिक का होता है तो इसे काफ़ी सावधानी के साथ टाइट करना होता है, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी ज़्यादा करेंगे तो ये स्लिप हो जाएगी और वॉयल लीक करेगी। तो इसको काफ़ी सावधानी के साथ सेट करिए कभी भी, ठीक है। तो अभी अब हमने यहाँ पे इसे सेट कर दिया है वॉयल देना। तो दोस्तों अभी अब हम लोग यहाँ पे इसमें वॉयल फिल कर देते हैं। बिना वॉयल डाले कभी भी मशीन को चालू ना करें, नहीं तो भारी नुकसान हो सकता है। अब वॉयल डालने के बाद इसकी जो ढक्कन है हमेशा ही बंद करके रखें ताकि इसमें किसी भी तरह का कचरे का प्रवेश ना हो। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने इसको ये सेट कर दिया है। इसके बाद ये जो हब है इस हब को हमने लगा दिया है। अब इसको देखते हैं कि ये हब और ये दोनों सेंटर में है कि नहीं। तो यहाँ से इसको पहले चालू करते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का लग रहा है, ठीक है। तो हब को क्या करेंगे, या तो हम इसको थोड़ा सा पीछे कर देंगे। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे ये हमारे पास थोड़ा सा ये टेढ़ा जा रहा है, तो हम यहाँ पे दो चीज़ कर सकते हैं कि या तो इसको थोड़ा सा पीछे घसका दे या फिर हब को थोड़ा सा आगे ले ले। तो जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा हब को ही आगे कर लेता हूँ। आप अपने सुविधा के अनुसार देख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये एकदम से सेंटर में हो गया है। ऊपर से दिखाओ, पूरा सीधा हो गया है। आराम से यहाँ से निकल के इसमें रॉकेट में ये एंटर कर रहा है और यहाँ से ढाई से ये निकल रहा है, ठीक है। अभी अब हम लोग इसमें पाउडर वगैरह डाल के देख लेते हैं कि क्या पाउडर वगैरह का ये फ्लो सही से करा पा रहा है या नहीं, ठीक है। डालो पाउडर, डालो इसमें। तो दोस्तों अभी अब ये अपना जो बकेट है ये रेडी है, यहाँ मसाला डालने के लिए तैयार है। तो अभी हम लोग पहले इसको सेमी ऑटोमेटिक मतलब फीडर बाद में सेट करेंगे, पहले इसे सेट कर लेते हैं मैनुअली, इसके चला के देखेंगे। इसके लिए जो पाउडर वगैरह है वो अभी हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा ये सेटअप पूरा मशीन का तैयार हो चुका है। अभी ये सेमी ऑटोमेटिक हो गया है, चूँकि इसमें अभी हमने फीडर वहाँ पे सेट नहीं किया। तो फीडर सेट करने से पहले ये मसाले का हम लोग देख लेते हैं कि प्रॉपर यहाँ से फ्लो कर रहा है, प्रेशर सही मिल पा रहा है कि नहीं, और वो सारी चीज़ें हम लोग पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो इसमें पहले तो हम मसाला जो हमने यहाँ पे
गूंधा हुआ है और उसको फिल करते हैं। डालो मसाला, डालो। मसाला भी प्रॉपर तरीके से गूंधना होता है, उसकी हर चीज़ की सही एक मात्रा देनी होती है। यदि आपने ये पता नहीं है आपको कि कितनी मात्रा में क्या क्या पाउडर, कितनी पानी वगैरह मिलानी होती है, तो कमेंट करिए नीचे, तो उसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बना के आपको मिल जाएगी। फटाफट हो गया, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे ये डाल दिया है, अभी अब इसको चला के देखते हैं। नीचे डायरेक्ट करो ना, तो रॉकेट को ढीला करो। हाँ अच्छा, तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि मसाला प्रॉपर मात्रा में आ पा रही है या नहीं। चलाओ चलाओ ना जी, इसको चलाओ। तो मसाला हमारा नहीं आ पा रहा है, इसका अभी अब हम लोग देखेंगे कि क्या कारण है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो मशीन का प्रेशर होता है, प्रेशर बोल्ट, ठीक है, ये प्रेशर पूरा जीरो है, इस कारण से वो प्रेशर नहीं बना पा रहा है। तो सबसे पहले अभी हम लोग इसके प्रेशर, इसको सीधा कर लो ना, तो इसका इसके प्रेशर बढ़ाने का जो तरीका होता है कि ये जो आप ब्लैक कलर की बोल्ट देख रहे हो, इसे पहले हमें ढीला करना होता है, और इसे ढीला करने के बाद इस ये जो ये वाली बीच वाली जो बोल्ट है उसे हमें ना दाहिने तरफ मूव करना होता है। जब हम इसे दाहिने तरफ मूव करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और बाएं तरफ करेंगे तो प्रेशर कमेगा। तो चूंकि प्रेशर कम है तो हमें यहाँ पे प्रेशर बढ़ाना है, तो इसे दाहिने तरफ मूव करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि अभी हमने जब इसका प्रेशर बढ़ाया तो यहाँ से मसाला निकलने लगा है, मतलब प्रेशर बनने लगा है। तो अभी अब हम लोग इसमें हब को फिट कर देंगे, जो ये जो अपना हब है इसको अभी अब हम लोग यहाँ पे फिट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे फटाफट हम लोग फिट करते हैं। सेंटर में आ गया ना। Thank you.
तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जब हमने हब को टाइट कर दिया, इसमें डाई लगा दिया और इसे चलाया है, तो बैक साइड से जो यहाँ से मसाला निकल रहा था तो ये नहीं निकलना चाहिए। तो इसके लिए हमें इसे अभी और टाइट करना पड़ेगा। जब हम लोग इसे और टाइट कर देंगे तो बैक साइड से मसाला निकलना बंद हो जाएगा। तो इसे हम लोग फटाफट टाइट कर देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हमने इसे टाइट कर दिया है, परंतु चूंकि ये ज़्यादा टाइट हो गई है तो अभी अब हम लोग इसको चालू कर रहे हैं तो यहाँ से ये मशीन चल नहीं रही है, मसाला नहीं निकल पा रही है। तो ये आवश्यकता से ज़्यादा टाइट हो गई है, तो इसे हम लोग अभी थोड़ा सा और ढीला कर देंगे। मतलब इस दोनों के बीच में थोड़ा सा दूरी रहता है, उसे सेट करना पड़ता है। तो इसे अभी हम लोग थोड़ा सा ढीला करते हैं और फिर देखते हैं चला के। तो ढीला कर दिया है, अभी और ढीला करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों जैसा कि देखा आपने, अभी यहाँ पे हमने इसको टाइट किया, थोड़ा सा सेट किया है। तो इसमें कैसे हम जाने कि ये सही से सेट हुआ है या नहीं, तो यहाँ पे हमने पहले एक बार खाली चलाया और इसको ये रॉड डाल के हमने देखा है। तो ये जो मसाला आ रही है इतना अंदर में नहीं निकलना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये जो मसाला है इसका हाफ निकलना चाहिए इसके अंदर से। तो इसको अभी थोड़ी सी और टाइट करने की आवश्यकता है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा और टाइट कर देते हैं और अभी फिर से इसको चला के देखते हैं। तो अभी भी ये थोड़ा सा और टाइट करने की आवश्यकता है, इसको और टाइट कर दिया हमने। अभी अब थोड़ा सा ये कम हो गया है, तो अभी अब हम लोग इसमें स्टिक से चला के इसको देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है प्रॉपर तरीके से या नहीं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अभी अब हम लोग डालते हैं इसमें स्टिक, क्योंकि अभी इसमें फीडर नहीं लगा है तो ये सेमी ऑटोमेटिक मोड में है। जब इसमें फीडर लग जाएगा तो ये फुल्ली ऑटोमेटिक मोड में हो जाएगा। तो अभी हम लोग इसे सेमी ऑटोमेटिक मोड में ही ट्राई करेंगे। ये जो है अभी इसको और थोड़ा सा टाइट करना होगा, चूंकि ये स्टिक को रोक दे रहा है। तो दोस्तों जैसा कि अभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अब हम लोग सेमी ऑटोमेटिक मोड पे चला के देख रहे हैं, ये काफ़ी बेहतरीन तरीके से स्टिक बना रही है मशीन। तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं कि अभी सेमी ऑटोमेटिक मोड पे मशीन बत्ती तो बना रही है, परंतु प्रेशर ज़्यादा होने के कारण जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये सारी स्टिक्स जो हैं ख़राब हो जा रही है। ये देखो आप, ये टेढ़ी हो जा रही है, कोई टूट जा रही है, कुछ भी हो जा रही है। तो ये इसका कारण है कि प्रेशर पीछे से ज़्यादा है। तो अभी अब हम लोग पहले प्रेशर को और थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि प्रेशर कम करने के लिए ये जो दो ब्लैक वाली बोल्ट है इसे पहले ढीला करना होता है हमें।
तो फटाफट हम इसे ढीला कर लेते हैं, और प्रेशर बढ़ाना हो तो ये वाले, ये बीच वाले नट को हमें दाहिने साइड घुमाना पड़ता है, यदि कम करना हो तो बाएं साइड घुमाना पड़ता है। तो इसे हम लोग बाएं साइड घुमा देते हैं पहले, ठीक है दोस्तों। अभी अब हमने घुमा दिया है, अब इसको हम लोग फिर से ये ब्लैक वाले को टाइट कर लेते हैं। ध्यान रहे कि ये ब्लैक वाला कभी भी ढीला नहीं रहना चाहिए मशीन चलते वक्त, यदि ढीला रहेगा तो ये जो अपना प्रेशर बोल्ट है इसको ये तोड़ देगा या टेढ़ा कर देगा, तो फिर उस कारण से भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इन सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखें आप लोग। तो अभी अब हमने यहाँ पे प्रेशर को थोड़ा सा कम कर दिया, अभी अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। अभी अब लगभग ठीक हो गया, चूँकि यहाँ पे अभी भी ये फेंक रहा है ऐसे, परंतु यहाँ पे हमें कुछ गद्देदार कपड़ा लगाना होता है तब जाके वो ठीक रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर कम भी कर देंगे तो मसाला कई बार थोड़ा बहुत सूखा रूखा आ गया तो उससे भी परेशानी होती है, तो इतना प्रेशर रहनी चाहिए। अभी अब हम लोग इसमें यहाँ पे कुछ कपड़ा लगा के उसको ठीक कर देते हैं, तो ये जो अगरबत्तियाँ उड़ रही है ये उड़ेगी नहीं, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने कपड़ा लगा दिए हैं, लैस जरा दो ना, यहाँ पे हमने कपड़ा लगा दिया है ताकि जो स्टिक हमारा उड़ रहा था वो कम उड़े। अभी अब हम लोग देखते हैं ट्रायल करके कि कैसा परफॉर्मेंस रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे कपड़ा लगाने के बाद भी जैसा कि देख पा रहे हैं कि उड़ बहुत ज़्यादा रहा है, तो प्रेशर को थोड़ा सा हम लोग और कम कर देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं कि अभी हमने जब प्रेशर को अब थोड़ा सा कम कर दिया है तो अब काफ़ी अच्छा स्मूथली जो है अगरबत्ती बन रहा है, और एक जगह सारा जमा भी हो रहा है, अब उड़ नहीं रहा है ज़्यादा और ना ही टूट रहा है। तो दोस्तों यहां से जो हमारा मशीन का जो मेन पार्ट होता है वो कंप्लीट हो गया है, अगरबत्ती बनना स्टार्ट हो गया है सेमी ऑटोमेटिक मोड में। अब अभी यहाँ से हम लोगों को इसे फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन बनाने के लिए इसमें जो इसकी फीडर है उसे यहाँ, ये जो स्टैंड हमने पहले फिट किया था इस स्टैंड के ऊपर फीडर को रखना है, और फिर उसका वायर होता है नीचे से उसे कनेक्ट करना है। तो अभी अब हम लोग उसे यहाँ पर रख के फिर उसके वायर को कनेक्ट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर फीडर रखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यह है हमारा फीडर, ये फीडर हमने यहाँ पे रख दिया है। तो इसमें जो मेन चीज़ होती है कि यहाँ पे फोकस करिए, ये होल और ये दोनों सेंटर में होना चाहिए, ठीक है, एक दूसरे के समानांतर होना चाहिए। यदि ये आगे, जैसे ये देखो आप यहाँ पे, ये पीछे हो गया,
तो ये पीछे नहीं होना चाहिए, ऐसे ये समानांतर होना चाहिए एक दूसरे के, तो जाके जो स्टिक है वो प्रॉपर वे में निकल पाएगी, अन्यथा वो बार बार रुकेगी, फंसेगी, हमारी प्रोडक्शन सही से नहीं हो पाएगी। तो हमें इसे प्रॉपर तरीके से एडजस्ट करना है, जैसे भी हो आगे पीछे करके इसको सीधा एकदम स्ट्रेट रखना है, तब जाके ये प्रॉपर रूप से काम करेगी। तो इसे हम लोग फटाफट से कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये अभी अब लगभग हमारा एक दूसरे के समानांतर हो चुका है। इसे चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ये हमारा बम्बू स्टिक है, इसे हम लोग यहाँ से इसमें डाल के चेक कर सकते हैं कि ये इसमें जाके आसानी से इसमें आ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा ये अभी भी बाहर आ रहा है, तो इसे हम लोग थोड़ा सा और सेंटर में कर ले रहे हैं, हल्का सा ये इसमें और सेंटर में करने की आवश्यकता है, तो इसे हम लोग फटाफट कर ले रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ऊपर से दिखाओ, ऊपर से ये एकदम से सेंटर में आ गई है। अब एक दूसरे के समानांतर ये होल और ये होल दोनों एक दूसरे के समानांतर में आ गई है। अभी अब हम लोग इसको यहीं पे फुल टाइट कर देंगे, जैसे भी है इसकी सारी जो भी नट बोल्ट हैं सबको फुल टाइट यहाँ पे अब हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो ये अब फुल टाइट हो गया है, कभी ये कहीं से भी हिलेगा डुलेगा नहीं। अभी अब हम लोग इसका जो ये वायर है इसे कनेक्ट करेंगे, इसे मशीन के अंदर कनेक्ट करना होता है नीचे ड्रॉअर में। ठीक है, इस वायर को हमें कनेक्ट करना होता है। तो अभी अब हम लोग इसके वायर को कनेक्ट करने के लिए नीचे जो ये ड्रॉअर है इसको खोल ओपन करते हैं। अब जब हमने इसको ओपन कर लिया है तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जगह होती है, यहाँ पे जगह होती है, यहाँ से हम वायर को अंदर ले लेते हैं। ये जो हमारी वायर है इसे अभी हम लोग अब अंदर ले लेते हैं पहले, तो फिर इसे हम लोग कनेक्ट कर देंगे जो इसका। यहाँ से हमने अंदर ले लिया इसे, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक ये इसमें ये ऐसे आरा लगा देंगे ताकि ये बाहर खींचने से ना निकले। अभी अब आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे ये दो जो है खाली है, एक ये और एक ये, दो यहाँ पे खाली है। हाँ, ये एक चीज़ का अवश्य ध्यान रखें कि कभी भी इन सारी चीज़ों को छूने से पहले लाइन जो है वो जो पावर है उसे कट कर लेना है। अभी मैंने गलती करी, बिना पावर कट करे छुआ, तो ऐसी गलती आप लोग कभी भी मत करना, पावर कट करके ही छूना है। क्योंकि अभी इतनी गर्मी में हम लोग कर रहे हैं, आप लोगों को दिख पा रहा होगा पसीना वगैरह थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा, आप लोगों को ये चीज़ विशेष ध्यान रखनी है कि पावर कट करके ही छूना है। तो फटाफट हम लोग इसका पावर कट कर लेते हैं।
तो अभी अब हम लोगों ने इसका पावर कट कर दिया है। अभी अब ये जो दो ब्लैंक जगह दिख रहा है आपको, ये एक ये सॉकेट और एक ये, यहाँ पे दोनों को हम लोगों को लगा देना है और फिर इसको टाइट कर देना है। तो इसके लिए हमें आवश्यकता होगी एक स्क्रू ड्राइवर या फिर टेस्टर की, तो हम लोग उसके माध्यम से इसको खोलते हैं। टेस्टर तो दोस्तों यहाँ पे हमने इस वायर को कनेक्ट कर दिया है। अभी अब हम लोग देखते हैं ड्रायर को चला के कि ड्रायर कैसा वर्क कर रहा है। लक्ष्मी की हल्ला करते हैं।